नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 20। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की। आगरा उत्तर प्रदेश के ट्रांस यमुना फेस दो इलाके में गाय नाले में गिरी। नाला छोटा होने से बड़ी मुश्किल से गाय को बाहर निकाला। क्षेत्रवासी गाय को नागा मंदिर पर ले आए। गाय की हालत काफी गंभीर होने के कारण विश्व हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने आगरा नगर निगम, आगरा डीएम और समस्त संबंधित विभागों से संपर्क किया, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी गाय का उपचार करने नहीं आया। इस कारण गाय ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। इस घटना से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने रोड पर जाम लगा दिया। आगरा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। मैं मनोज अग्रवाल, हिंदू कल्याण महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बताएं, ये हमारे जो गौ माता है कल से बहुत परेशान है। ये दो दिनों से बाईपास पे एक नाला है, उस नाले में गिरी हुई थी। नाले से जैसा कि वो पट्टियों के नीचे चली गई। हम लोगों के कार्यकर्ता हैं जो हिंदू कल्याण महासभा के गौ कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने पट्टियाँ तोड़कर गौ माता को बाहर निकाला और पूरे दो तीन घंटे मालिश करके उनको गुड़ गुड़ भोजन करा के उनको सही किया। गौ माता चल के यहाँ सेकेंड फेज पर आ गई। ये मंदिर है नागेश्वर, नागा मंदिर के सामने ये गौ माता है। सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ की हमारी माताएं हैं उन्होंने भी फ़ोन किया है पशु चिकित्सा अधिकारी को, और ये मंडी समिति में डॉक्टर उनको भी फ़ोन किया। उन लोगों के फ़ोन करने के बावजूद भी डॉक्टर आए नहीं। ये गौ माता, अगर इन गौ माता को डॉक्टरों से इलाज मिल जाता तो गौ माता कहीं ना कहीं बच जाती। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री गौ सेवक होते हुए भी यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी डॉक्टर हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं। मतलब इतनी सुनवाई नहीं करते हैं कि यहाँ से बच्चे वहाँ गए उनके पास बोलने के लिए, तो आने के लिए भी उनको इनकार कर दिया, और इसी कारण उपचार नहीं मिलने के कारण गौ माता का देहांत हो गया। ये सभी हमारे नागरिकों का यहाँ बहुत रोष व्याप्त है। कई कठोर से कठोर हमारे मुख्यमंत्री कार्रवाई करें इसके अंदर। नारे लगा दी, भारत माता की सुनाई करो, सुनवाई करो, 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 सुनाई करो, सुनवाई करो।